सगला बैनर अब राम मऊ थारू देसी पत्रकार रवि। आज की जो अपनी देसी चुनावी यात्रा है यह है झुंझुनू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है इंडाली। इंडाली ग्राम पंचायत में आज आप पहुंचे हैं। अड़े जो सरपंच जी है जो पूर्व सरपंच हाँ अभी प्रेम सिंह जी बाहू बातचीत कर रहे हैं, पर मैं अभी अपना फोन को उठा रहा और भी आप बाहू कोशिश करांगा बातचीत करने की कि जो 5 साल को यो कार्यकाल रही है यो कसो के रही है। मतलब सरपंच बाहू कदे जाके डिमांड मांग करी थी आपकी अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करवाए हैं। जो वोट ने दिया वहां करवाए, को वोट दे दिया वहां करवा दिया। लगभग आईडियो गाँव में कताक शौचालय बनवा दिया, फिर लगभग हमें 110 या 115 के करीबन बनवा दिए। जो प्रॉपर तरीका चल रहे हैं या फिर भगवान भी टाट वगैरह बंद हैं? नहीं नहीं प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आप पहुंचे हैं। रामूतावर जी अभी पतो चलो की थे पूर्व सरपंच रेड़ा हो 2010 मेरी पुत्र वधु थी सरपंच मानी। अच्छा अच्छा थे को नहीं आता पुत्र वधु सरपंच। तो अभी जो आप बात करें गाँव का विकास की, फिलहाल अब जी अपने वर्तमान सरपंच कौन है? वर्तमान सरपंच हाँ, क्योंकि अभी तो अपने गाँव में प्रेम सिंह था। प्रेम सिंह जी, तो प्रेम सिंह जी के कार्यकाल के अब पहली बात कर लेंगे। लेटेस्ट जो कार्यकाल खत्म हुए वो वहां को ही हुए है। हाँ। तो बी कार्यकाल की अपन बात करें तो गांव में विकास के मान बे के योगदान करो? हाँ, अगर थारी नजर में कोई योगदान को नहीं दिखे वहां को कोई स्पेशल की भाई गांव के लिए बहुत कोई बढ़िया काम करे हो, कोई नाली सड़क बना दी, बाकी और तो कोई स्पेशल काम को नहीं करे गांव के लिए। स्पेशल काम जो तो अभी थे भी पूर्व सरपंच जो भी प्रतिनिधि रेड़ा हो, क्योंकि थारी पुत्र वधु तो प्रतिनिधि थे करता, आज थे माने ग्राम पंचायत कार्यालय पर थेड़े मिल रहा हो, तो आप बात करें कि थारो जो कार्यकाल रही हो बी में और जो अभी पिछले 5 साल कार्यकाल में एक तो सीएचसी डायरेक्ट सीएचसी खुलवाई थी मैंने, यहाँ सब सेंटर से डायरेक्ट सीएचसी 55 बेड का हॉस्पिटल जो बिल्डिंग भी बनके तैयार है शिफ्ट होगी, और एक ए क्लास का पशु अस्पताल खुलवाया, दो तो ये जीएसएस बनवाया, पानी के लिए 2-3 ट्यूबवेल बनवाए, 4 ट्यूबवेल बनवाए और टंकियां भी 4-5 टंकियां भी बनवाई। मैन जो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने स्कूल में कॉमर्स खुलवाई। कॉमर्स? तो शिक्षा के क्षेत्र की थे बात कर रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र की आप बात करें तो अभी फिलहाल आपने अठे जो स्कूल की बात करें तो कौन सी क्लास तक है? 12वीं तक। 12वीं तक बड़े सब्जेक्ट कौन सा है? कॉमर्स और आर्ट्स। कॉमर्स और आर्ट्स से साइंस को टेक्नोलॉजी को आज टाइम है, बट कोशिश करी पर को नहीं सा बैठो कॉमर्स तक जो बैठो ये गाड़ा खुला हूं। तो 5 साल को जो पिछलो अभी रियो है काल एक माने कोई प्रयास कौन करे हुए मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के लिए क्या के लिए कोई प्रयास कौन करे हुए? जो स्वास्थ्य की आप बात करांगा, स्वास्थ्य के माने थारो जो कार्यकाल हो बिकी पहली बात करा की स्वास्थ्य के माने थे की योगदान करो? स्वास्थ्य के माने सीएचसी में दुरुमिया हूं संपर्क करके सीएचसी डायरेक्ट में मेरे प्रयास हूं खुलवाई, मेरे पंचायत में भी रिकॉर्ड पड़े पूरे अध्यक्ष को। और बी के बाद में जो 5 साल को जो टाइम निकलो है जमीन भी अलॉट मेरे कार्यकाल में है 25 बीघा जमीन दिया है, बिल्डिंग बन के तैयार है। 25 बीघा जो जमीन की बात करें गांव का की और देड़ी है क्या? नहीं गांव की सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है, कन्वर्ट करवा के देनी। अच्छा, तो बी कमान आप बात करें कि सुविधा की बात करें तो की सुविधा ही जो अपना ग्रामवासियों ने बड़े बस सुविधा मिल रही है? फिलहाल तो छोटी बिल्डिंग में चल रही है, 15 तारीख ने शिफ्ट करना नई बिल्डिंग में, तो अभी में पूरी सुविधा है, मशीन आ रही है पूरी, सोनोग्राफी एक्सरे मशीन सीबीएसई की जाँच हुए हैं वह मशीन सब कम्प्लीट है, सामान पुराइड और 6 डॉक्टर पोस्टेड हैं, फिलहाल भी 6 डॉक्टर हैं, 27-28 आदमी का स्टाफ है। ये सरपंच हाँ 2010-15 तक 5 साल को जो कार्यकाल हो, बी के बाद में सरपंच को थे चुनाव लड़े हो या फिर के वजह रही? नहीं मैं लड़वाए हो, कोई दूसरा अनुभव हमारे प्रति नहीं दिया। ठीक है, तो अभी के मान अपना और बात करें कि गांव में आपने जो मेन समस्या मोटी ही बाकी थे अभी बात करेंगे चुनावी माहौल चल रहे अभी फिलहाल मेरे कार्यकाल में एक आम रास्तों को प्रतिक्रमण सिर्फ एक गाड़ी जा सके 70-72 फुट चौड़ा यो भी अतिक्रमण में हटाए। और भी जो अपा गांव में बात करा कि भाई मेन जो गांव की कौन सी समस्या फिलहाल की चुनावी माहौल चल रहे हैं? तो देखो शिक्षा के स्वास्थ्य के यहाँ की कोई समस्या दूर तो होगा नहीं, जितनी बढ़ाई जाए हम जितनी आप प्रोग्रेस कर सका इतना ही कम है। हाँ। और मूलभूत आवश्यकता शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी यही हुए, हम जितना अपना डेवलपमेंट करे इतना कमी है और हम गुंजाइश रहे करने के लिए भी गुंजाइश रहे खूब रहे। अभी आपने चुनावी माहौल चल रहे है। हाँ। इंडाली ग्राम पंचायत में क्या की सीट है? पहले सामान्य महिला थी, ये बाबू ओबीसी आ गई दोबारा चेंज हो गई, तो ओबीसी की सीट में आपने कई दावेदार गाँव खड़े हैं? फिलहाल तो 4 ही। 4 ही अभी? 5-6 का एक हटको सामान्य या ओबीसी आना, 5 को नॉमिनेशन भी हटो एक हटको चुनाव चिन्ह भी मन मिल रहा आउंटनों को माने भी मिल गो सबने मिल गया चुनाव से लते भी चुनाव लड़ रहे हैं लड़ रहे। और अब ओबीसी हूँ और जो आपने क्या दावेदार हैं? 4 दावेदार हैं। तो अभी बात करा कि गांव का जो मेन अभी चुनाव हो रहे हैं तो गांव की कुछ तो समस्या ही कि आगे जो आने वाला ही चुनाव अकमान गांव की कौन सी समस्या ही जब थे समाधान करा गया या फिर एक तो जको पानी को भराव जगह जगह गंदा पानी को निकासी है बस सुचारू रूप में फिलहाल भी नहीं है, वह मेन प्राथमिकता को काम है कि मैं पानी ने पूरा ने निकाल के जोड़ में लाएगा जगह जगह नाली टूट रही है माने रिपेयर करके या नहीं बना के
एक तो ये है, एक शिक्षा के क्षेत्र में साइंस के लिए प्रयासरत रहेंगे, जरूर खुलवाएंगे, चाहे कुछ साइंस हो या मैथ्स, एक सब्जेक्ट जरूर खुलवाएंगे चाहे कुछ। और जो आप बात करें कि गांव में सुरक्षा के लिए के इंतजाम ही अगर थे चुनाव जीतो, सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा, फिलहाल के इंतजाम ही सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था है कि गांव में? ये सोसाइटी में जरूर लगवाए थे हमने पिछली बार, कोई चोरी हो गई थी उसके बाद में, बाकी तो कोई खास नहीं। अपना जो गांव का ही या फिर जो दर्शक की बात करें कि हर एक गांव में की मेन जो मोटी समस्या आ रही है आवारा पशुओं की, एक समस्या आ रही है किसान ही की, आवारा पशुओं बहुत ज्यादा परेशान ही बिकले, थारा गांव में की व्यवस्था है? फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे मैनिफेस्टो में चुनाव प्रचार में भी प्राथमिकताओं रखी कि मैं अगर सरपंच चुने गए हमारी पितृवधु सरपंच में उसको ही लड़ पा रहा हूँ इस बार भी, क्यों पढ़ी लिखी है उसको अनुभव भी है 5 साल का, तो प्राथमिकता से आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था करेंगे। आवारा पशुओं के लिए थे व्यवस्था करवा होगा। और जो भी के बाद में आप बात करें कि जो गांव में स्ट्रीट लाइट या फिर रात में आने जाने के लिए की कोई व्यवस्था है गांव में? नहीं, कोई फिलहाल कोई नहीं है, स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा, सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, आवारा पशुओं की व्यवस्था कराऊंगा और शिक्षा स्वास्थ्य में भी जितना होगा उतना और कराऊंगा। ग्राम पंचायत इंडाली मापा पूछा झलको झुंझुनू स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम। और भी जो अपना ग्रामवासी ही बहुत आपा बातचीत कर रहे, युवा ही बहुत आपा बातचीत कर रहे, भाई राम राम कर दे। राम राम भाई, नाम बता भाई। नाम आदित्य श्याग। तो पहली तो जो सरपंच जी है बाकी बारे में बताओ कि जो को 5 साल को आपको कार्यकाल रही हो, एक हमारे गाँव में के विकास का काम होया? गाँव में विकास हुआ, सब नाली नूली बनना, पक्के रोड बनना, सब व्यवस्था बढ़िया हुई और निकासी नुकासी के लिए भी बढ़िया व्यवस्था, पूरी व्यवस्था बढ़िया तरीके में हुई। यार सरपंच जी मारे तो फोन कौन उठा रहे, बात ही कौन के बात है, मैं तो फोन करके रीज लिया अभी, न तो मिल रहे ही न बहु बातचीत हो रही है, तो मान तो लागे को नहीं, तो अगर विकास को काम अगर वो करवाए तो क्यों कौन मिल रहे अभी ना, कोई काम में अलग हो भाई, नहीं उठावा फोन। अच्छा नहीं, मतलब हालांकि बहु बात हुई तो भाई बोला कि ठीक है आ जाओ, अभी के बाद में आया तो अभी वो फोन कौन उठा रहा। चलो फिर भी आप बात करा, आपने अभी चुनावी माहौल चल रहे है, किन सपोर्ट कर रहे हो भाई? सपोर्ट ये बैठा हमने राम उतार जी खींचड़, राम उतार जी सपोर्ट कर रहे हो, तो अभी बात करा कि गाँव में विकास की, आप बात करा गाँव में कौन सी की समस्या अभी भी है कि यह एक समस्या जो फिलहाल भी बन रही है, एक समाधान गांव में निकालना बहुत जरूरी है। ये आवारा पशु जो है यहाँ की व्यवस्था करनी, क्योंकि सब किसान फिर दुख पा रहे हैं। आर्मी की तैयारी करी गांव में, कोई खेल ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था है प्रॉपर तरीका, क्योंकि भाग दौड़ करके जो मेहनत करने के लिए है ना युवा के लिए भी के लिए कोई व्यवस्था है गांव में? हाँ ग्राउंड तो है बढ़िया, एकदम बढ़िया ग्राउंड है, तो वो किको बनाएडो कद बनाएडो है? बनाएडो तो कोई को बने, बस ये गाँव का सहयोग, गाँव का सहयोग बनाएडो है। और के बिगमान की जरूरत है, कौन सी चीज भाई आप तैयारी करी जो टाइम के लागू की यार आज चीज और ही कमान होनी चाहिए? जो ट्रेक ना ग्राउंड के जो बाहर की भी की जरूरत है, तो अब फिलहाल कहीं को ट्रेक है? ट्रेक तो मट्टी को है, फिलहाल माटी कोई ट्रेक है, पर और भी जो भाई की उम्मीद है कि और भी बेगमान शानदार तरीका ट्रेक बनना चाहिए। और भी जो अपने ग्रामवासी ही बहु आप बातचीत कर सकें, राम राम कर दो जी। राम राम जी। नाम बताओ। मैं तो और नौकरी करूँ है यानी LDC हूँ। बताओ थारो। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी आप बात करा गांव में जो अभी थे LDC पर हो, LDC के पद पर अठे कार्यरत हो, तो पिछला जो 5 साल है एक मान थे ठीक कार्यरत था? हाँ 4 साल से ज्यादा होगी मेरे को। 4 सालों ज्यादा थाना ठिकारी रत होगी, तो गांव में विकास की आप बात करा तो कौन सा यहाँ का मुद्दा, क्योंकि हर एक चीज थारे तो निकले नजर में निकलेगी, तो बिक माने गांव में विकास की आप बात करा तो कोई यहाँ का मेन टॉपिक की भाई गांव की मोटी समस्या इरमा को समाधान करोगे? गांव की जो मोटी समस्या थी वो एक खेल मैदान था स्कूल के नाम से, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से, उसका हमने समतलीकरण तो करवा दिया, लेवलीकरण उसका करवा दिया, ट्रैक का काम उसका अधूरा था तो वो अभी कराने की कोशिश कर रही चल रही है, उसमें कुछ मटेरियल की दिक्कत आ रही है, नरेगा से स्वीकृत है वो, यानी ग्राम पंचायत के सामान्य काम से स्वीकृत होता तो हम करवा देते, लेकिन वो नरेगा के कारण होने से सामग्री लाने में और लेने टेंडर वगैरह में उसमें वो दिक्कत थी, तो अभी वो स्वीकृत है तो हम उसको जल्दी से जल्दी करवाने की वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ट्रैक बनाने का, एक स्टेज बनाने का उसमें वो है, एक बेंच लगाने का है उसमें, एक पानी की टंकी का है, एंड जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उस खेल मैदान में करवाने की हमारी पूरी पूरी वो कोशिश है और हम करवाएंगे उसको जल्दी शीघ्र करवाएंगे। तो गांव को खेल मैदान है, स्कूल को है या गांव को भी? नहीं वो स्कूल का नाम से है, स्कूल का नाम है पर गांव का के लिए है वो। हाँ। तो बिक माने जो बात करा वो बजट आयो है वो स्कूल को और आए है या फिर ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत से मनरेगा योजना से आया है वो, जो मनरेगा योजना है लगभग कतो के बजट आयो है उसका? लगभग 20 लाख रुपए के करीबन है, जो 12 लाख समथिंग तो उसका है मान लो श्रम का, और 8 लाख या 7 लाख के लमसम है वो सामग्री का, लेकिन हमने सामग्री का उसमें वो सामग्री का जो ट्रैक वगैरह स्टेज वगैरह वो अभी नहीं करवाया है, समतलीकरण और लेवलीकरण और खाई फिनिशिंग करवाया है उसका केवल, बस यही काम करवाया है उसमें, और जो PWD है उससे उसके कुछ
चार दीवारी भी करवाई गई है, वो ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाई गई है, पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाई गई है वो। तो अभी जो आप और भी बात करेंगे गांव में कोई पाँच साल में स्ट्रीट लाइट वगैरह की लागी या फिर किसानों के लिए कोई योजना जो चल रहे हैं बांको गांव में कतक योजना को, क्योंकि सरपंच जी तो अभी मिला उन्हें, तो थारे थ्रू मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि स्ट्रीट लाइट वगैरह गाँव में नहीं लगवाई गई है। चार साल के अंदर तो कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई गई गाँव में। जो इंटरलॉक वगैरह सड़क है, पानी की नाली है, जो गंदे पानी की जो समस्या थी उसका समाधान करवाया गया है। जो पंचायत के अंदर है उसमें भी इंटरलॉकिंग करवाई गई है, और भी जो मूलभूत सुविधाएं जो भी सामान्य जो जो कहीं पानी की समस्या थी तो वहाँ ट्यूबवेल भी बनवाया गया है और मरम्मत भी करवाई गई है कामों की। जैसे आंगनबाड़ी है, कुंड मरम्मत है, ये भी करवाया गया है। जैसे शमशान भूमि में कुंड जो टूटा फूटा हुआ था उसकी मरम्मत करवाई है। एक हमारा राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल है उसकी भी वहाँ कुंड की मरम्मत करवाई गई है। एक स्कूल के अंदर पानी की छत से जोड़ने के लिए कुंड नया बनवाया गया है। जीएसए योजना है जो एक उस योजना के द्वारा उसमें कुंड नया बनाया गया है। ये जो सुविधाएं वो लगभग आज जो अपनों पर्यावरण है धीरे धीरे प्रदूषित होने तो जा रहे हैं, तो बिकमान जो ग्राम पंचायत का सरपंच जी है वे पर्यावरण बचाने के लिए कोई प्रयास करा कि फिर पंचायत की ओर के अंदर पेड़ पौधे लगवाए गए लेकिन वो कुछ जीवित हैं और कुछ नष्ट हो गए। शमशान भूमि जो हमारी शमशान भूमि है उसमें पेड़ पौधे लगवाए गए लगभग 200 या 250 करीबन लगवाए गए थे, वो कुछ जीवित भी हैं और कुछ नष्ट हो गए। अभी जो एक और आप बात करें कि पर्यावरण में ही आप जल पानी की जो आप मोटी समस्या आ रही है आपने की पीने को पानी वो धीरे धीरे कम होते जा रही, बिकले गांव ग्राम पंचायत की ओरू पानी बचाने के लिए कोई व्यवस्था करी गई? नहीं, फिलहाल तो कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो ये जो गांव की एक विकास की आप बात करी तो मेन मुद्दा जो आपने अठे LDC ही बहु भी आप जानकारी ली, थारे जो गांव की समस्या ही बह थे माने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ ताकि भी जी भी ग्राम पंचायत में जैसे भटा का जो सरपंच ही सरपंच प्रत्याशी ही जो सरपंच दावेदार ही या सरपंच प्रतिनिधि ही बहु मैं मिलांगा बातचीत करांगा और गांव की समस्या निकालने की पूरी कोशिश करांगा। इंडाली ग्राम पंचायत में जब आपने झलक झुंझुनू चैनल की देसी चुनाव यात्रा पहुंची तो बैठा हूँ आप जो और भी जो अपने सरपंच प्रत्याशी सरपंच दावेदार ही और भी जो अपना ग्रामवासी बहु बापा बातचीत करते हैं सब राम राम कर दो। राम राम जी। नाम बताओ तारो? डॉक्टर अरविंद बालोठिया। तो जो बात करें जो प्रेम कुमार जी के कार्यकाल की तो बी के बारे में बताओ अपने दर्शकों की कसो के कार्यकाल रियो गांव में विकास की आप बात करें तो कौन सा विकास का काम है? देखो प्रेम जितना करवा सका उसने उतना किया, अच्छा किया, जो काम किया सारा ही अच्छा था। और अब मैं आगे की बता सकता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता तो आगे की जो आप बात करते हैं कि भाई अभी आपने चुनावी पहली तो थारे पहली चोटी फॉर्म भर चुके हैं, थाने चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, थे सरपंच को चुनाव लड़ रहे हो? हाँ बिल्कुल। थारा कौन सा मुद्दा ही गाँव की कौन सी है की समस्या है की भाई मैं अगर सरपंच को चुनाव जीतू हूँ या सरपंच बनू गाँव को तो आज चुनाव आप मुद्दा को आप समाधान करवाऊँ? तो गाँव में बहुत सी समस्याएं होती है, तो जितनी सरकारी योजनाएं आती उनका सही और से वितरण नहीं हो पाता है, ये एक बड़ी समस्या है। चाहे सरपंच प्रत्याशी कोई भी आया हो, पहले भी आए हैं, लेकिन ये चीज़ें उस समय आगे आ जाती हैं कि भाई ये अपना वोटर था रही है नहीं था रही, ऐसी समस्या है। मैं चाहता हूँ कि इस बार उस चीज़ से ऊपर उठ के गांव में काम किया जाए, जैसे पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है, अन्य जो योजनाएं आती हैं उनकी समस्या है, दूसरी बात नरेगा है, नरेगा में बहुत तरह के काम होते हैं लेकिन सही नॉलेज नहीं होने पाने की वजह से उस नरेगा का पूरा फायदा गांव को नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि उसमें SC ST किसान की खेत की खुदाई तक का काम है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पता ही नहीं रहता लोगों के ऐसे काम होते हैं, तो हमें मौका मिलता तो हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। थे योजना की बात करी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना ही बाको सही तरीका क्रियान्वयन को नहीं हो पावे, तो कौन सी योजना ही कोई है की योजना दो या तीन की योजना बता दो जबकि कोई थे लागे हुआ कि भाई मैं आपको गांव में क्रियान्वयन करवाऊंगा प्रॉपर तरीका हूँ? भाई बहुत सी हैं, जैसे BPL कार्डों के लिए जितनी भी योजनाएं थी, चाहे वो दो आवास बनाने की योजना हो, चाहे लेटरिन बाथरूम बनवाने की योजना, नालियों की योजना हो, चाहे कुइयों की योजना हो, जितनी भी तरह की योजनाएं आती हैं उनको सही पूरा फायदा उठा के गवर्नमेंट जो पैसा भेजती है और जितना हमें मिल सकता है उतना पूरा लाने का प्रयास करेंगे बजट और उसका सही क्रियान्वयन करेंगे, ये सारे काम हम करेंगे। अभी जो बात करें कि भाई आपने गाँव में कौन सी मेन है कि समस्या कौन सी है कि भैया एक मेन समस्या चल रही है फिलहाल मेन थारो मुद्दों है कि भाई मेरे जो एक घोषणा पत्र क्या आप बात करा तो घोषणा पत्र में मैंने सौ फर्स्ट समस्या कौन सी है बिकी अपना? तो सबसे पहले तो आप ग्राम पंचायत के सामने खड़े हैं तो उसकी हालत देख लो, इसको साफ सुथरा करना सबसे बड़ा काम है। पहला मुद्दा तो ये रहेगा, उसके बाद को आप बात करें पहले मुद्दों तो स्वच्छता के लिए थे कौन सी की व्यवस्था गांव में करवाओगे कि वही तरीकों में गांव में व्यवस्था करूंगा कि भाई जो ताकि गंदगी ज्यादा न फैले, भाई पानी की प्रॉपर निकासी हो जाए और ग्राम पंचायत की जहां पक्का क्षेत्र
हो जाता है उसकी देख रेख के लिए भी कोई ना कोई आदमी या उसका बजट लिया जाए, यहाँ से आदमी नियुक्त किए जाए कि वो उसकी साफ सफाई प्रॉपर करें। जैसे नगर पालिका क्षेत्र में होता है रोडों की भारी तकात निकलती है, तो क्या ग्राम पंचायत में नहीं हो सकता? देखो, यह चीज़ है पर एक बात करांगे, ग्राम पंचायत को नगर पालिका को अपना कंपेरिजन कौन कर सका, क्योंकि भी को बजट बोलो ज्यादा हुआ थोड़ा सो, तो भी चीज में आप आदमी कौन लगा सका? ठीक ही तरीका हूँ, यह चाहोगा कि भाई बजट लाना ही तो मुख्य काम है, वो लाएंगे तब सारी व्यवस्थाएं होंगी। कौन सा एक तरीका है जो थे लगाओगा कि भाई मैं इस तरीका हूँ बजट ले आऊँ, या फिर कोई अंक की? देखो प्रस्ताव दिया जाता है, उसके बाद सारे काम होते हैं सेटिंग से। अब सेटिंग का मतलब ये नहीं है घूस देके, सेटिंग का मतलब होता है कि अधिकारियों से और नेताओं से प्रॉपर लिंक होगा तो उस बजट को पास करवाया जाएगा, और वो पास होगा तो सारी व्यवस्थाएं भी होंगी। ये तय बात है। किसानों के लिए क्या मदद करेगा? तो किसानों के लिए है सबसे बड़ी बात, तो इस इंडाली ग्राम पंचायत में मैंने ये देखा है खाते भी नहीं फटे हुए, खाता विभाजन सबसे बड़ी समस्या यहाँ की चल रही है। हम आते हैं तो भी वो सबसे मिल बैठ के उस व्यवस्था को सुलझाएंगे, उसके सुलझाने के बाद जितने भी किसानों को फायदे मिलते हैं, चाहे उन जैसे ओलावृष्टि होती है और होती है जिसमें फसल का जो नुकसान होता है उसमें, यहाँ तक कि मैंने देखा है ग्राम सेवक पटवारी घर बैठे रिपोर्ट बना के ले जाते हैं, और उसमें भी जिसका हुआ है उसका नाम लिखते हैं, जिसका नहीं हुआ उसका नहीं लिखते, अलग अलग तरीके से काम होता है, तो हम उसमें पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है, दे आवाज उठाई था ना कि यह चीज बोल रहे हो कि पटवारी और ग्राम सेवक घर बैठे बैठे ये चीज की कर दी, तो थे आज तक कदे ग्राम पंचायत में जाके या क्यों मुद्दा उठाए कि भैया चीज उठाऊंगा क्या करी, बड़े जाके फील्ड में जाके? देखो दो बातें होती है, सबसे पहले मैं एजुकेशन लाइन में था और वही मेरी फील्ड थी, बहुत सोच समझ के मैं इस फील्ड में उतरा हूँ, तो अब मैं ये काम करूंगा। एजुकेशन की पढ़ रहा था तो ग्राम पंचायत की बजाय मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो वहाँ जो मेरे सामने समस्या है उनसे मैं लड़ा हूँ, मुझे पता है इस चीज़ का कि कैसे आवाज़ उठाई जाती है, कैसे उस आवाज़ को बुलंद किया जाता है और अंतिम स्तर तक पहुँचा जाता है, ये सारे काम हम करेंगे। सुरक्षा के लिए थे गांव में की व्यवस्था करवाओ? सुरक्षा के लिए पहले भी हम एक दिन यहाँ विचार कर रहे थे कि जो मुख्य पॉइंट है जहाँ मतलब कि आवागमन या गांव में इनकी होती है, वहाँ हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और उनकी पूरी मॉनिटरिंग होगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो जो सरपंच प्रत्याशी बाऊ बापा बातचीत करी तो बांका तो गांव में ये मुद्दा है कि मेन मेन जो गांव की समस्या है बाकूब समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। साहब एक मिनट खड़े हो जाओ एक बार, आप राम राम कर दो अपने दर्शक। राम राम जी। नाम बताओ तारो? प्रताप। प्रताप जी के काम करे करो? खेती बाड़ी को काम करो। तो आप बात करा अभी अपने चुनावी माहौल चल रहे है और थारा तो पहले भी चुनाव मतलब यहाँ देख लो होता होता रहेगा, तो वो चुनावी माहौल हो तो थारा कौन सा मुद्दा है गांव का, कौन सी समस्या चल रही है कि भाई ऐसी समस्या ही जो भी सरपंच चुने जाओगे गाँव में आज समस्या को समाधान करवाओगे? गाँव में यही नालियाँ की कोई पानी की व्यवस्था की बिजली की बारे में यही और सरपंच के करा और। हाँ तो थे कौन सी चीज करवाना चाहो कि थे सरपंच को चुनाव कोई ना तो खड़े करे हो गाँव में? पर चलो वो मतदान थे जिन्हें भी करता गांव का समस्या की आप बात करें कि गांव में एक जो मेन की एक मोटी समस्या अपने रास्ता की भी है, आवारा पशुओं की भी है, कि कोई समस्या को समाधान है कि आवारा पशुओं के लिए क्या व्यवस्था है गांव में? कोई व्यवस्था नहीं है, खेती समस्या है हड़गड़े बाढ़ नहीं रहा। बताओ भाई एक मेन समस्या भी कर समाधान को निकले अभी को समाधान को निकले हुई पहले प्रस्ताव बजट क्यों करूँगा? तो बजट को नहीं, पर देखो अब बजट गांव का बेचारो किसान को है, अगर कोई खेत में बढ़ जाए ना वो आवारा पशु एक साथ में बढ़ जाए तो बजट भी को सागेड़ो बिगाड़ जाए वे, है ना? वो तो बेचारो बारह मन्ना की फसल है कि शमशान घाट में लड़की बड़ा हूँ रात में शमशान घाट में बड़ो बड़ा और तो दिन के उठा निकल जाए जना कर ले भूख में रात में और वो हमारे गांव को नेता पूरा। अरे एक हेयर ड्रेसर है बिकमान चाल से आप बातचीत कर से बैठा हूँ बहुत बार बार में आवाज आ रही है तो बाँव भी चाल के बात कर से कि गांव की कौन सी की मेन समस्या ही मोटी समस्या ही पानी की समस्या हो रही है सके और मतलब जो रोड है वो भी खराब हो रही है सगड़ी नाली खराब हो रहे हैं गाँव का गल्ला है वह सब खराब हो रहे हैं टोटल।
पानी भरे पड़े वहां वहां कीचड़ हो रहे हो सकता। तो जो गांव में एक मेन समस्या है कि तो थे के सो थे जकान सपोर्ट कर रहे हो भाई, गांव में हर एक आदमी की समस्या को समाधान करेगा। हां करेगा, पक्की बात है? बिल्कुल। अरे नहीं पाओ जो आऊंगा जरा देख लियो पापा। हां देख लियो, बोला मैं पक्की करूंगा पक्की। तो कौन सी और भी बताओ, चलो करवा देगा मैं। और की समस्याएं की है कि भाई जो अपने किसानों के लिए या फिर नौजवानों के लिए गाँव में की व्यवस्था है? गाँव में क्यों व्यवस्था ना, इनको नौजवानों की कोई सी व्यवस्था ना। ठीक, की व्यवस्था करवाना चाहोगे? पहले तो किसानों के लिए की व्यवस्था करवाना चाहोगे? तो किसानों के लिए तो एक तो पानी की बहुत समस्या हो रही है। बचाओ आगे भाई, मार्केट हम भी पानी आवे, कोई नहर आवे, कोई और आवे, जो कोई और बड़ी लाइन आवे, अभी पानी का मतलब निकास हो गाँव के वहाँ, तो फसल भी हो, कुआं भी पानी को ना पीऊण पीऊण का सांसा बन रहे हैं। तो एक भैया सांसद लेवल की बात कर दी, क्योंकि सरपंच का आत्मा को नहीं गांव में नहर लेने की बंदों में तो पहले बताई ही था ने कि और नौजवानों के लिए गांव में की व्यवस्था करवाना। नौजवानों के लिए कुछ ही व्यवस्था फिलहाल में तो कोई हाथ को नहीं, न कोई ग्राउंड है, न कोई खेल कूद का मैदान है। खेल कूद मैदान है कहाँ करा पड़े हैं, जो वर्टा पर गड्ढा जाए खेला जाए। वीडियो ने शेयरिंग को थे ला दो फितूर ताकि गांव के अपने समस्या हो जाए दूर। सगला भाई ने राम राम, मैं हूँ थारो देसी पत्रकार रवि। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।